हेलो किसान भाइयों, मैं रणधीर कुशवाहा। आज मैं आया हूँ करेला के खेत में। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ यह करेला का जलवा। देखिए यह करेला कितना बेहतरीन तरीका से फरा हुआ है। किसान भाइयों, यह इतना ज़्यादा करेला लटका हुआ है ना, इतना ज़्यादा, वो भी अभी के समय या नवंबर में यह करेला इतना ज़्यादा लटका हुआ है, मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कितना अच्छा तरीका से यह फला हुआ है। किसान भाइयों, इस करेला फरने में योगदान है बिल्लोवुड का जो टॉनिक है विलवॉन्ड। विलवॉन्ड आप लोगों को भी इस तरह से करेला अगर भर्ती कराना है तो विलवॉन्ड दवा जरूर स्प्रे करें। देखिए इसका साइज, यह वैरायटी है प्रगति करेला, यह प्रगति इतना बेहतरीन इसका साइज है, क्वालिटी है और पूरा हरा भरा है। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे वीडियो में पूरा लत्ती भी अभी नहीं भर पाया है, फिर भी इसमें कितना ज़्यादा फरा हुआ है। देखिए यह मैं वीडियो के माध्यम से सारा दिखा रहा हूँ। देखिए सारा ज़्यादा से ज़्यादा जो लत्ती जो है वह साइड में लटका हुआ है, लेकिन अभी पूरा लत्ती नहीं फैला है और इसमें सिर्फ करेला ही दिखाई दे रहा है। इसमें आज ही हार्वेस्टिंग भी हो रहा है साथ में, जो आपको आगे दिखेगा किस तरह से किसान भाई हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं और किस तरह से पन्नी में रख करके मंडी के लिए रवाना होंगे। ये देखिए इसमें कितना अच्छा से यह फरा हुआ है। किसान भाई, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सारे किसान भाई के पास वीडियो चला जाए। यह करेला पका हुआ है, इसको हटा दे तोड़ के। ये जो पीला दिख रहा है या कहीं कहीं जो पीला है, यह मच्छर के वजह से होता है। अगर ऐसा आपके खेत में हो तो इसे मच्छर का स्प्रे ज़रूर करें। कोई भी इंसेक्टिसाइड ले ले मच्छर का और इस पर स्प्रे कर दे। देखिए लाजवाब करेला है, लाजवाब इतना लटका हुआ है, देखने में दिल खुश हो जा रहा है। किसान भाई, आप लोग भी इस तरह से जरूर खेती करें। खेती करें और अच्छा से ना फलन हो तो क्या फ़ायदा करने से, और अच्छा फ़ायदा ना हो तो क्या फ़ायदा करने से। ये देखिए यह पक चुका है, क्योंकि यह ज़्यादा समय हो गया है इस वजह से। ये देखिए साइड से बांस से दे करके कितना अच्छा से, इसमें देखिए फ्रूटिंग कितना ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्रूटिंग इतना ज़्यादा है, तभी तो इतना ज़्यादा करेला लटका हुआ दिख रहा है। किसान भाई, आप लोग भी जरूर करेला का खेती करें और खूब पैसा कमाएं, इतना पैसा कमाएं कि खेती करने पे आपको कभी ऐसा ना लगे कि हम खेती कर रहे हैं। किसान भाई, और हम नई नई क्रॉप के साथ आपको हम मिलते रहेंगे। देखिए लाजवाब करेला है, लाजवाब प्रगति का, इतना हरा भरा है कि मंडी में जाने पे सबसे पहले यह बिकता है और 2-3 रुपया ज़्यादा ही रेट केजी मतलब किलो में मिलता है। किसान भाई, यह करेला इतना बेहतरीन क्वालिटी का है कि आप लोग ज़रूर इस करेला को भी लगाएं। और किसान भाइयों, मैं रणधीर कुशवाहा आपको खेती से संबंधित में जानकारी देते रहूँगा। यह देखिए ऊपर का ढाट कितना फैला हुआ है और कितना ज़्यादा लत्ती है, कितना फैला हुआ है, मैं ऊपर को दिखा रहा हूँ। यह अभी पूरा नहीं भरा है तब ऐसा है और तब इतना ज़्यादा लटका हुआ है। आप लोग जरूर विलवॉन्ड का स्प्रे करें, अगर खूब अच्छा अगर लेना है फुटिंग तो। यह हमारे किसान भाई करेला काट रहे हैं, देखिए किस तरह से करेला काट करके यानी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और हार्वेस्टिंग के बाद जो है वह पन्नी में डाल रहे हैं। इससे क्या होता है पन्नी में ले जाने से कि जो व्यापारी होते हैं वह बहुत ही अच्छी तरह से उसको अलग से ही दिख जाते हैं और अच्छा खासा रेट देते हैं। यह देखिए पन्नी में हार्वेस्टिंग करके रखा हुआ है, कितना हरा भरा दिख रहा है, यानी बहुत ही अच्छा रेट में यह करेला बिकता है। आप लोग जरूर इस करेला का खेती करें और खूब पैसा कमाएं। किसान भाई, देखिए हमारे किसान भाई कितना अच्छी कैंची से यह हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। कैंची या ब्लेड से हार्वेस्टिंग करने से क्या होता है कि पौधा बचा हुआ रहता है, कोई नुकसान नहीं होता है। और देखिए कितना हार्वेस्टिंग किस तरह से कर रहे हैं। किसान भाई, आप लोग भी करेला का खेती करें और इसी तरह मज़े से हार्वेस्टिंग करें और खूब पैसा कमाएं। मैं रणधीर कुशवाहा आपको और शिमला मिर्च जैसे लौकी या फिर वटल गार्ड, ये सब चीज़ का मैं जो वीडियो होता हूँ मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा और आप खेती से संबंधित सारा वीडियो को देखते रहिएगा। यह करेला फिलहाल जो है, यह करेला इधर जो साइड में दिखाई दे रहा है यह हार्वेस्टिंग हो चुका है और इधर बचा हुआ हार्वेस्टिंग हो रहा है। ये देखिए किस तरह से पैक हो रहा है। ठीक है किसान भाई, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय